भारत माता की। बहुत अच्छा। कभी कभी जोश महाराष्ट्र गलत दिशा में चला जाता है। एक व्यक्ति जोश में आके घर पहुंचा कि माँ मैं तेरे दूध का कर चुका दूंगा, भारत माता का कर चुका दूंगा। माँ बोली बेटा दूध वाला एक सप्ताह से चक्कर लगा रहा। तो जोश सही डायरेक्शन में रहना चाहिए। और महाराष्ट्र संस्कारों की बात क्या कहें, आप देखते हैं बहुत सारे टीवी चैनलों पर ऐसे ऐसे टीवी सीरियल आते हैं और किस किस तरीके के वो चलते हैं, सास बहू की लड़ाई ये वो दुनिया भर की बात होती है। पति पत्नी में भी ऐसा ही चलता रहता है। मुझे तो राज श्रीवास्तव भैया बता रहे थे क्या हुआ कि एक किसी व्यक्ति से अपनी पत्नी से नहीं बनती थी, इनकी तो बनती है, भाभी जी साथ में आई हुई है, नहीं बनती थी। तो एक महाराज जी के पास पहुंच गए कि महाराज जी घरवाली से झगड़ा रहता है, बोले कितने साल हो गए, बोले 10 साल हो गए, बोले आज तक नहीं बनी, बोले बाबा बनती नहीं, रोजाना लड़ाई रोजाना टेंशन। तो बाबा जी ने पूछ लिया उन्होंने कि भाई तुमने अपनी घरवाली के हाथ का खाना खाया, बोले जी रोजाना खिलाती, बोले आज तक प्रशंसा की, बोले बाबा आज तक नहीं की, बोले बेवकूफ फिर कहां से मतलब बनेगी, कल से प्रशंसा करनी शुरू कर दे और सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी। तो दूसरे दिन ऑफिस निकलना था 9 बजे, जल्दी से बोला कि जल्दी से खाना लेके आ, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो जल्दी से 2 पराठे लाई, चाय अचार के साथ में रख दिए, पहला टुकड़ा तोड़ते ही प्रशंसा शुरू कर दी कि आज तूने कमाल के पराठे बनाए, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए, आज तो तूने जीवन सफल कर दिया, मां के खाने का स्वाद भुला दिया। थोड़ी देर तक सुनती रही, जब हजम नहीं हुआ तो एक धक्का मारा कि 10 साल से पका के खिला रही हूं, आज तक स्वाद नहीं आया, आज 2 पराठे पड़ोसन से क्या ले आई। तो ऐसे संस्कार पाश्चात्य संस्कृति से आ रहे हैं। हमारी माता बहनें यहां बैठी हुई हैं, आप तो ऐसी नहीं है मैं जानता हूं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कभी कभी स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं साहब। आइएगा, मैं क्रम में हूं, हमारे मुंबई से आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। और वो क्या हुआ कि एक पति परेशान था, बोला तपस्या की उसने, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न होकर बोले कि अच्छा जो भी मांगना है मांग ले। तो उसने मांगा कि प्रभु मुझे फिर से कुंवारा कर दो। तो भगवान ने कहा कि मुझे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा है, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा। तो ऐसी समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन मैं बता दूं हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है और शायद इसी कारण हमारी संस्कृति अभी तक जिंदा है। ये 30 त्योहार, होली, दिवाली, मेले, दशहरे इसीलिए सार्थक होता चला जा रहा है क्योंकि हमारी पारिवारिक व्यवस्था उसको आधार देती है। तो लीजिएगा, मैं कुछ देशभक्ति की बातों से आपको जोड़ना चाहता हूं और पहले एक छंद समर्पित करना चाहता हूं। महाराज जी का जो संकल्प है, जो चेतना है, वो अपने आप में अद्भुत है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, जितना भी हम कहेंगे उतना ही कम है कि जीवन समर में जो मोह मुक्त कर दिया, हृदयों में बैठे हर पार्थ को प्रणाम है। महाराज जी का जो निर्देशन है और जिस तरीके से वो आशीर्वाद मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे सोया हुआ मोह युक्त जो पार्थ है, अर्जुन है, वो मोह मुक्त हो जाता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि जीवन समर में जो मोह मुक्त कर दिया, हृदयों में बैठे हर पार्थ को प्रणाम है। और लोक के कल्याण पुण्य भावना से पूर्ण, लोक के कल्याण पुण्य भावना से पूर्ण हुए उपकारी भाव निःस्वार्थ को प्रणाम है। तो युग सृष्टा सम सृष्टि दृष्टि भाव दृष्टा बन देख रहे, ये युग सृष्टा सम सृष्टि दृष्टा भाव देख रहे, योगी राज वाले परमार्थ को प्रणाम है। और योग ऋषि योग चेतना के दिव्य पारवार, स्वामी जी के दिव्य पुरुषार्थ को प्रणाम है जी, स्वामी जी के दिव्य पुरुषार्थ को प्रणाम है। और प्रणाम करते हुए मैं कुछ देशभक्ति की और बातें आप तक पहुंचाता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत मां की शान रहे। आत्मगौरव की बात करता हूं, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। हमारे भाई ने बहुत आक्रोश के साथ पढ़ा और वो आक्रोश आवश्यक भी है, कुछ उसी आक्रोश को कुछ और भाव देते हुए मैं आपके समक्ष भाव रखना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत मां की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर,
समर्थन मिले आपका कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान है, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, भारत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी, सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी के दी और आजादी के दीवानों की बात चलती है तो दो तीन छंद मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भाई चरणजीत ने जिस तरीके से कहा कि बहुत सारे ऐसे असंख्य बलिदानी हैं, पता नहीं चला कि कौन कहां से आए और कहां बलिदान देकर चले गए, तो मैं कुछ चंद छंद आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरा हिंदुस्तान यहां पर इकट्ठा है, और अगर आरंभ करें तो शिवाजी महाराज के उस पौरुष पराक्रम से शुरू करते हैं, संस्कृति का ये जो प्रवाह अभी दिखाई दे रहा है जिन महापुरुषों के कारण है, शक्ति और भक्ति की बात की कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान, पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं, और दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं, और आ गया समय तो शाम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो ये जो समय चल रहा है उसी भावना का एक छंद पढ़ता हूं जी भैया, कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है, वाह, कि गौहर को जननी के जैसा मान देने वाले, ये हिंदू सम्राट का चरित्र था कि गौहर बानो को ससम्मान उन्होंने ये कह के वापस करवाया कि काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती, बाकी तो इतिहास के पन्नों में आप जानते ही हैं कि क्या स्थितियां रहती थी नारियों की, तब मैं कहना चाहता हूं मातृशक्ति यहां पर विराजमान है, कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है, और गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है, तो शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम, कि मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है, और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम, मेरा शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है, शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है, और पन्नाधाय पद्मिनी और हाला चेतक की तापसंग हल्दी घाटी में जो उड़ी उस धूल से सजे गगन को नमन है, कि चेतक की तापसंग हल्दी घाटी में जो उड़ी उस धूल से सजे गगन को नमन है, और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए गए शूरता के पावन हवन को नमन है, तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धधक रही राजस्थान वाली उस अगन को नमन है, और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया राणा जी प्रताप की तपन को नमन है, जी राणा जी प्रताप की तपन को नमन है, और पन्ना धाय आपका उत्साह थोड़ा सा मैं जानता हूं कि बहुत सारा बहुत देर से आप जो समर्थन दे रहे हैं कवियों को, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त लगे मुझे कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है, मेरे हिस्से का भी प्यार आपका मिलना चाहिए, स्वागत भैया। हाँ, कि पन्ना धाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है,
कि पन्ना धाए पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामा शाह वाले एकमात्र दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खा के भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता और वीरता पराक्रम के पर आए आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है जी, आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। एक छंद देना चाहता हूं शिव गुरु गोविंद सिंह जी के नाम। गुरुओं की बलिदानी परंपरा के बारे में हम सभी जानते हैं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। वाह। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चिन्ह गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊं सवा लाख से तो उद्घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है जी गोविंद। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं और महाराज जी का जैसा आदेश है कि एक गौरव गीत मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। अक्सर मंचों से पढ़ता हूं, इस मंच से भी पढ़ने का मेरा मन है क्योंकि ये जो सनातन संस्कृति का जो प्रवाह बना हुआ है, आप या हम यहां पर उस अखंड एक कालखंड जो है ये हमारा जिसमें हम आज यहां उपस्थित हैं कुंभ महाकुंभ के अवसर पर, ये अनंत काल से चला आ रहा प्रवाह है, आगे भी चलता चला जाएगा, लेकिन हम उसके माध्यम बने, हमारे जो हृदय में भक्ति और भावना है उस प्रवाह को निरंतर बनाए रखें, उसको लेकर एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं। कि गंगा की कल कल सीने में गंगा, आखिर हम है क्या, कि गंगा की कल कल सीने में चंदन सी महक पसीने में मन में मुरली की मधुर तान तन पावन काका दिव्य दान वाणी में कबीरा की साखी, वाणी में कबीरा की साखी हाथों में रामायण राखी मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान और कर्म योग जीवन विधान दिन पावन रात दिवाली है माटी की गंध निराली है। जिनका इस माटी से नाता जिनका भारत माँ से नाता उनका तन मन नित यह गाता उनका तन मन नित यह गाता। और क्या गाता है, मन तक पहुंचे तो एक एक हाथ मेरे साथ खुल के आए कि उनका तन मन नित यह गाता कि रत्ना करने चरण पखारे सागर जिसके चरण पखारे दिव्य हिमालय माथा है सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में चंदन सी महक पसीने में मन में मुरली की मधुर तान तन पावन ताका दिव्य दान। और पंक्तियां सुनिएगा, जो कहते भारत दीनहीन, कोई विश्व का एक ऐसा देश बता दीजिएगा जो इतने आघात सहकर इतनी प्रताड़ना सहकर हजारों साल के संघर्ष के बाद अपने आप को बचा पाया हो अपनी संस्कृति को बचा पाया हो, लेकिन जब आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी होते हैं सॉफ्टवेयर विदेशी लग जाते हैं, जब भारत को भारत नहीं मानते भारत के खिलाफ बातें करते हैं गाली देते हैं, तो मैंने कहने की कोशिश की है जी, आप मन तक पहुंचे तो बताइएगा कि जो कहते भारत दीनहीन कायर कपूत लज्जा विहीन उनको इतिहास बताता हूँ उनको इतिहास बताता हूँ गौरव झांकी दिखलाता हूँ। जब जग पर थे तम के साए जब जग पर थे तम के साए हमने प्रकाश के गुण गाए हमने किरणों के गुण गाए जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना अध्यात्म दिया विज्ञान दिया माधव बन गीता ज्ञान दिया अध्यात्म दिया विज्ञान दिया
माधव पन गीता ज्ञान दिया, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया। पीछे देखिएगा, आप देखिए सागर मंथन का चित्र, ये सारा दृश्य तब मैं कहना चाहता हूं कि सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया, नालंदा हो या तक्षशिला, आप गौरव अनुभव कीजिएगा अपनी संस्कृति पर, अपने अतीत के गौरव पर, कि नालंदा हो या तक्षशिला, मन को 32% लोग विश्व के यहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नालंदा तक्षशिला में आते थे। यह भारतीय संस्कृति का गौरव था, भारतीय शिक्षा का गौरव था कि नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी, संस्कृति के संस्कारों के हम चिर साधक, माँ परम शक्ति के आराधक, माँ परम शक्ति के आराधक, सेवा सत्कार समर्पण है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे अपने आप में बहुत सारे लोग संस्था होंगे, मैंने कहा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित भाव से जीने वाले लोग यहां पर हैं, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, तब कहना चाहता हूं कि सेवा सत्कार समर्पण है। और महाराष्ट्र अभी बात कर रहे थे, ये जो सारा अभियान चल रहा है स्वदेशी का, पतंजलि का सारा अभियान है, वो महाराष्ट्र अपने लिए नहीं, पूरे देश के, समाज के लिए, वो उपभोक्ता नहीं मानते। महाराष्ट्र ने कहा हम उपभोक्ता नहीं मानते, हम अपने जैसे किसी परिवार के सदस्य के लिए सारा प्रोडक्शन कर रहे हों, ये सारा जो चल रहा है ऐसे लग रहे जैसे सभी हमारे भाई बहन हैं, चाहे देश में हो या विदेश में, ये मानवतावादी संस्कार है, मानवतावादी सोच है, उपभोक्तावादी सोच नहीं है। तब कहना चाहता हूं संस्कारों के हम चिर साधक, मां परम शक्ति के आराधक, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्ति आप देखेंगे, ये सारा वातावरण महाकुंभ महापर्व का समय और हमारे महापुरुषों का, अवतारों का, जो कुछ भी ये धरती है उस धरती के प्रति समर्पित चार पंक्तियां, ये अंतिम पंक्ति मैं समर्पित करना चाहता हूं कि सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। तो जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्म योग जीवन विधान, और कर्म योग जीवन विधान। तो अभी गजेंद्र जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाते। बहुत युवा कवि है, बहुत प्रज्ञावान है, बहुत विवेकशील है, और वाणी में भी बहुत माधुर्य है। उधर से वैदिक जी बोल रहे हैं बहुत माधुर्य है। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव महाराज जी भी कह रहे हैं, गुरुशरण जी महाराज, कि बेटा बहुत तेजस्वी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई गजेंद्र सोलंकी के लिए। महाराज जी यहां पर परिवार बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जब संस्कारों की बात चलती है तो हमारी जो जो पहले परिवार व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, वो एकल परिवारों में हो जाने से, शहरी संस्कृति का प्रभाव बढ़ जाने से, माता पिता के बारे में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और जो कुछ उसके चल रहा है, तो चार मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूं अगर जो आपका आदेश हो। माता पिता के प्रति हमारा आपका क्या दायित्व तो होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और माता पिता का हमारे जीवन में। मैंने कभी लिखा था, कोई कहता है दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, क्योंकि मंच ही संस्कारों का मंच है, जहां महाराष्ट्र विराजमान हो, गुरुदेव शरणानंद जी महाराज विराजमान हो, सभी संत विराजमान हो, आपकी उपस्थिति हो, संस्कारों को जीने वाले लोगों की उपस्थिति हो, वहां बात कहने का अपना एक आनंद होता है। तो
मैंने लिखा कोई कहता है दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, जिनके बाजुओं में दम बड़े बलवान होते हैं, और बड़ा मां बाप से दुनिया में कोई हो नहीं सकता, बड़ा मां बाप से दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये सच है दोस्तों, मां बाप ही भगवान होते हैं, ये सच है दोस्तों, मां बाप ही भगवान होते हैं। तो उन जो अपने मां बाप को, माता पिता को भगवान की तरह मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं, संदेश पहुंचे। मेरा कवि का संकल्प होता है संदेश पहुंचाना। चार मुक्तक पढ़ता हूं, आपका मन चाहता हूं कि इंसानियत का दौर यहां यूं भी चला है। मैं अपनी विधा से अलग पढ़ रहा हूं, ये मेरी विधा ओज की विधा है, लेकिन संस्कारों की जब बात आती है तो कवि जो है, जो सोचता है वो देखता है, लिखता है कि इंसानियत का दौर यहां यूं भी चला है, अंजाम भलाई का सदा होता भला है। मां बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, मां बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है, दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है। कुछ हाथ खामोश है, सब साथ आइएगा। दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। सुनिएगा कि जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है। ये मानियो सम्मान या शोहरत की ये दौलत, फिर समर्थन चाहता हूं आपको आपका कि ये मानियो सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है मां की दुआओं से मिला है, जो भी मिला है मां की दुआओं से मिला है। मंदिर समान घर को सजाती संवारती, मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती, और कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चारों धाम है। माँ के बिना अधूरे है पूजा आरती, माँ के बिना अधूरे है पूजा आरती, और ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है। ऐसे लोग जो जीते जी माँ बाप से दिल की दूरियां बना लेते हैं, फिजिकल दूरियां कोई मायने नहीं रखती, भौगोलिक दूरियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं, और एक छत के नीचे रहने वाले कभी कभी लोग बहुत दूर हो सकते हैं। तो असली जो दूरियां होती हैं भावना की होती हैं, दिल की होती हैं। तब मैंने कहा, अभी मैंने कहा भी था कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। जो माँ बाप से दिल की दूरियां बना लेते हैं, उनके लिए मैंने कहा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है, ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब है, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब है। सच ये है इस जहान में धनवान है वही, सच्ची लगे बात तो हाथ उठे आपके, कि सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही, धनवान है वही, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब है, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब है। और एक मुक्तक और कि दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, कि दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, माँ बाप की दुआओं से भी दूर हो गए, और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, नूर हो गए, नूर हो गए, नूर हो गए।